हेलो एवरी वन अ वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू सो द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो विल बी हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर मोलिकुलर बायोलॉजी की फील्ड में अगर स्किल्स डेवलप करना है और साइंटिस्ट बनना है तो आप क्या क्या स्किल्स होने चाहिए कैसे साइंटिस्ट बनना है क्या क्या मास्टरी होना चाहिए क्या करियर पाथ होगा क्या स्किल्स डेवलप करने और क्या क्या स्कोप हैं सो आज इसमें हम सारे स्किल्स स्कोप एज वेल एज करियर पाथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये देखेंगे कि एक एस्पायरेंट को अगर मोलिकुलर बायोलॉजी के फील्ड में साइंटिस्ट बनना है तो कैसे कैसे फॉलो करना पड़ेगा और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो यहां से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट सो इफ यू सी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट इज वन हु Performs experiments and research on molecular level means मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिस्ट मींस वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ऑन मोलिकुलर लेवल कैसे परफॉर्म करेंगे ऑन द मोलिकुलर लेवल जहां पे वो बहुत सारे सेल बिहेवियर को पढ़ रहे होते हैं इंसेक्ट डेवलपमेंट को पढ़ रहे होते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मॉडल के साथ काम कर रहे होते हैं मीन्स वो एक पर्टिकुलर सेल की स्टडी को परफॉर्म कर रहे होते हैं और इन्ही इनको बोलते हैं मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट मीन्स वो एक जीन लेवल पे काम करते हैं जीन कहाँ होता है एक सेल के अंदर सो दे विल perform a molecular level study. और वो किस एरिया में का, काम करते हैं वो एडवांसमेंट ढूंढते हैं वो काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ ड्रग डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर सपोज कोई इंटरेस्टेड है प्लांट जेनेटिक्स में वर्क करने के लिए तो वो किस फील्ड में काम करेगा इन एग्रीकल्चर तो अगर प्लांट जेनेटिक्स में वर्क करना है और साइंटिस्ट बनना है तो हम तब भी बन सकते हैं सो मोनिकुलर बायोलॉजिस्ट मीन साइंटिस्ट वो किसी भी फील्ड में हो सकता है चाहे वो प्लांट की फील्ड हो चाहे वो एनिमल की फील्ड हो सो एडवांसमेंट इन द ड्रग डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर तो या तो एनिमल की फील्ड में भी हम काम कर सकते बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट या या तो तो एग्रीकल्चर में भी काम कर सकते हैं। Now, दूसरा आता है question, तो है है क्वेश्चन हाउ टू बिकम इन दिस फील्ड। अगर बनना बनना साइंटिस्ट एक की में, तो ऐसा क्या -क्या करना पड़ेगा और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए करनी है चाहे वो मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट के लिए हो चाहे वो किसी भी लिए हो बट हमको किसी भी चीज़ में मास्टर कैसे बनना है तो सबसे पहले जब हम मास्टरी की बात करते हैं तो वहाँ पे बात आती है डिग्री की यहाँ पे किसकी बात आती है डिग्री और डिग्री मीन्स क्या होता है कि हमें एक डिग्री को कौन सी डिग्री करना है सपोज अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है मोलिकुलर बायोलॉजी की फील्ड में तो मेरे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए अब डिग्री की अगर बात करते हैं तो हम अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं आफ्टर ट्वेल्थ मीन्स बी एस सी या बी टेक और मास्टर्स तो हमको क्या करना है सबसे पहले वी हैव टू टेक अ डिग्री कैन बी इन दी एस सी और बीटेक सबसे पहले हमें क्या करना वी क्या -क्या है बैचलर्स डिग्री में जो सबसे पहले आता है दैट इज लाइफ साइंस डिग्री अगर आप बैचलर्स डिग्री में बी एस सी करना चाहते हैं और आगे अपना करियर देखना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट और एज अ मोलिकुलर साइंटिस्ट uh, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले शुरुआत होती है मोलिकुलर बायोलॉजी से और कैसे शुरुआत होगी आपको एक बैचलर्स डिग्री लेना पड़ेगा नाउ दिस बैचलर्स डिग्री कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बीएससी और बीटेक अगर ये बीएससी के फॉर्म में है तो क्या होगा आप किसी भी फील्ड में बैचलर्स कर सकते हैं जैसे ये लाइफ साइंसेस हो सकता है ये बायोटेक्नोलॉजी डोमेन हो सकता है ये बायो केमिस्ट्री हो सकता है या माइक्रो बायोलॉजी हो सकता है बायोलॉजी हो सकता है केमिस्ट्री अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री में कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री हम किसी भी किसी भी भी चीज़ चीज़ का फंडामेंटल समझते हैं, को एक गहराई से समझते हैं जब हम किसी की भी चीज को समझते हैं अल्टीमेटली हमारा बीएससी कुछ ऐसा खास डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि हमको साइंटिस्ट बनने के लिए कहां जाना है हमको साइंटिस्ट बनने के लिए अल्टीमेटली पीएचडी करना है और पीएचडी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं हम बीएससी से स्टार्ट करें फिर मास्टर्स फिर भी कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल एरिया है जहां से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा मोलिकुलर बायोलॉजी की फील्ड से तो आपको शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी जहां से आप थोड़ा कनेक्टिविटी ढूंढोगे मोलिकुलर बायोलॉजी की फील्ड से तो वो कौन कौन सी फील्ड है वो हैं लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बायो केमिस्ट्री माइक्रो बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टेक्निकल डिग्री ले लें अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के लिए भी आपके पास ऑप्शन है ना क्या क्या ऑप्शन है फॉर बीटेक स्टूडेंट्स द ऑप्शन आर बायोटेक्नोलॉजी या तो आप बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बी ले सकते हैं या तो मॉलिकुलर एंड सेलुलर इंजीनियरिंग आप यहाँ पे कोई कोई यूनिवर्सिटी होती है जो ये ड्यूअल डिग्री प्रोवाइड करती है जैस इज मॉलिकुलर एंड सेलुलर इंजीनियरिंग तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास फिर भी कोई भी लाइफ साइंसेस डिग्री है बायो है मोलिकुलर बायोलॉजी है फिर भी आप अपना यू कैन से करियर डिसाइड कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी की फील्ड में और एज अ मोलिकुलर कब पड़ता है जब आप कोई मास्टर्स और स्पेशलाइजेशन करते हैं क्योंकि मास्टर में हम मास्टर जैसे पढ़ते हैं मतलब हम कोई एक मास्टरी लेते हैं मास्टरी मतलब किसी भी एक फील्ड में अगर हम मास्टरी लेते हैं वहां पे हम कुछ डिटेल पढ़ रहे होते हैं इसलिए अगर आप जब मास्टर्स

जो होती है बायोटेक डिग्री सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है मतलब ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि आप नहीं कर पाते आप कोई भी डिग्री ले लो आपको अल्टीमेटली अगर पीएचडी करके साइंटिस्ट बनना है तो आप बनेंगे ही और अल्टीमेटली हमारा पीएचडी ही डिसाइड करता है कि हमने पीएचडी में कौन सा रिसर्च कर रखा है और वहीं से हमारा मेन करियर पार्ट डिफाइन करता है क्योंकि बच्चे तो कुछ भी ले लेते हैं बैचलर्स में मास्टर्स में स्टूडेंट्स कुछ भी पढ़ लेते हैं तो एज सच यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं होता मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है हमारा पीएचडी हमने क्या रिसर्च किया और मेन ये कहां से चालू हो जाता है ये उसके जस्ट पहले से चालू होता है जब हम एक फेज में रहते हैं जो हमारे करिकुलम का पार्ट होता है वो होता है हमारा डिजर्टेशन हम सभी डिजर्टेशन करते हैं एमएससी में तो वहीं से हमारा करियर डिसाइड होता है क्योंकि वहीं से एक स्टूडेंट अपना

और इसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम यू नीड टू क्लियर क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है वो सी एस आई आर हो सकता है आईसीएमआर हो सकता है गेट लाइफ साइंसिस गेट बाय टेक्नोलॉजी हो सकता है डीबीटी एग्जाम्स हो सकता है और आईसीएर एग्जाम हो सकता है कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम अब क्यों जरूरी है यूनिवर्सिटी एग्जाम या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करना वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आपको पी मिलेगी और सभी को पता है एक पी करने के लिए एक नेशनल

टेंथ नहीं इनिशियल मीन्स बी एस सी या मास्टर बैचलर इसलिए हमने कहां से स्टार्ट किया ऑप्टेनिंग आ डिग्री सबसे पहले डिग्री होगी तभी तो मास्टर बनेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्या होता होगा एक हम बहुत ज्यादा ज्ञान को ले पाएंगे तो थोड़ा पढ़ने से क्या होगा बैचलर्स होगा मास्टर्स होगा अब हम आते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स एंड पब्लिकेशन अब सभी लोग बीएससी में डिजर्टेशन करते हैं मास्टर्स में भी डिजर्टेशन करते हैं अब बीएससी की सी डिजर्टेशन को क्या कहा जाता है माइनर ट्रेनिंग मास्टर के डिजर्टेशन को क्या कहते हैं मेजर ट्रेनिंग दैट इज वॉट कॉल्ड एज डिजर्टेशन इस समय हम कुछ बहुत कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं पर इतना भी नहीं कर रहे होते जैसे एक बच्चा एक अपनी पी में कर रहा होता है उतना हम ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं करते बट कुछ तो हम करते हैं तो इस समय हम कुछ फाइंड करते हैं, हम कुछ रिसर्च करते हैं तो ऐसा रिसर्च करना है ताकि आपके नाम का एक पेपर पब्लिश हो जाए ऐसा कुछ अच्छा रिसर्च करना है अपना पूरा डेडिकेशन पूरा डिटर्मिनेशन आपको वहां पे दे देना है इसी को बोलते हैं रिसर्च फाइंडिंग एंड पब्लिकेशन ऐसा कर देना है कि आपका कोई फाइंडिंग आ जाए अगर आप मास्टर्स के बाद में कोई भी जॉब में एंटर कर रहे हैं सपोज आप कोई भी लैब में काम कर रहे हैं लैब में काम करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप जे आर एफ की पोजिशन के लिए रिक्रूट हुए हैं एज अ नॉन नेट जे आर एफ अगर आपका नेट क्लियर भी नहीं है तो ऐसा मानते हैं अगर आपका नेट भी क्लियर नहीं है लेकिन आपको कोई जॉब मिल गई रिसर्च लैब में तो आपके लिए तो वाव बात है ये आपको एक चांस मिला है आपको ये चांस मिला है कि आप वहां पे एक साल तक रहोगे एटलीस्ट छह महीने तक रहोगे और इस छह महीने में आपने कितना अच्छा रिसर्च कर लिया मतलब आप तो पब्लिश कर सकते हो ना आप अपनी इस फाइंडिंग को पब्लिश कर सकते हो तो वो किसमें पब्लिश करना है साइंटिफिक जर्नल्स में और जर्नल क्या होते हैं पीयर रिव्यूड जिसको लोग रेफर करते हैं जिसको लोग एक्चुअली में साइट करते हैं वैसे पीयर रिव्यूड जर्नल में आपको पब्लिश करना है आपको इससे क्या होगा आपको एक रिकोगनीशन मिलेगा रिकोगनीशन मिलेगा मतलब आप तो उसको सी में ऐड कर सकते हो आपका ये एक्सपीरियंस है आपका ये एक अचीवमेंट माना जाएगा तो इससे क्या करेगा आप एक एक सीढ़ी आगे चढ़ रहे हो आप एक एक, एक स्टेप बढ़ रहे हो अभी हम कहाँ थे अभी हम डिग्री ले रहे थे अब हम क्या बात करें अब हम रिसर्च कर रहे हैं अब हम फाइंडिंग्स में पहुंच चुके हैं अब हम पब्लिकेशन की बात करें पब्लिकेशन कब होता है जब एक बहुत नोवल फाइंडिंग होती है मतलब आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हो यहाँ पे आप या तो अपना पब्लिकेशन एज अ लीड ऑथर कर सकते हो या तो को ऑथर ठीक है तो आप किसी भी रूप में अपना पेपर पब्लिश कर सकते हो थर्ड इज रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस अगर सपोज आपका कोई पब्लिकेशन नहीं है और आपने जस्ट किसी लैब में काम कर लिया लेकिन फिर भी तो ये एक रिसर्च एक्सपीरियंस है जो सभी के पास नहीं होता अगर एक क्राउड में खड़ा होना और एक भीड़ में से अलग पहचान बनानी है तो क्या करना पड़ेगा एक अलग अलग क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि उसने मास्टर्स कर लिया हमने भी कर लिया है तो सभी करते हैं अलग क्या है आप में? आप में में क्या स्किल्स अलग है जो लोग आपको भीड़ में से अलग से देख के उठाएंगे अरे हाँ ये एक्स नेम है अरे ये तो बहुत होशियार है इसको तो हम उठा ही लेंगे इसके पास कुछ नहीं है फिर भी हम उठाएंगे क्योंकि तो इसके पास सीवी में ये सारी क्वालिटीज हैं तो ये कैसे डिसाइड होगा आपका वर्क एक्सपीरियंस ये भी एक एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है आपका क्या स्किल्स है आपके क्या एक्सपीरियंस है तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है जब आपने डिसर्टेशन किया क्योंकि अब कोई लोग बोलते रहते हैं कि हमारे कॉलेज में एक्सपेरिमेंट नहीं होते हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं होते इसका मतलब ये नहीं कि आप रोते रहोगे आपको बहुत सारा चांस मिलता है आप जॉब के लिए अप्लाई करो आप जब डिजर्टेशन जाते हो ये तो सभी करिकुलम का पार्ट है तो जब डिजर्टेशन करते हो एटलीस्ट उसको अच्छे से करना है कि वो एज एक्सपीरियंस काम हो जाए अगर उससे रिलेटेड कोई जॉब होता तो है वहाँ से इंटरव्यू से डिस्कवालीफाई फाइनली होना चाहिए आपको यहाँ पे अपने को तैयार करना है तो जो सबसे पहला रिसर्च एक्सपीरियंस आप अपने एक सीवी में एक कॉलम और एक रो बना के कुछ भी आप कह सकते हो डालोगे वो डाल सकते हो पहला डिसर्टेशन माइनर ट्रेनिंग्स दूसरा डाल सकते हो अंडर दिस रिसर्च एक्सपीरियंस के हेडिंग में मेजर ट्रेनिंग अ मेजर ट्रेनिंग में क्या आएगा एमएससी का डिसर्टेशन तो सबसे पहले क्या करना है डिसर्टेशन करना है ड्यूरिंग मास्टर्स एंड बैचलर्स जो सभी करके आ रहे होते हैं और सभी ने किया होता है अगर नहीं किया हुआ है और अगर नहीं करने की कोशिश है नहीं करना चाहते हो लेकिन फिर भी आप करना है क्यों क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है आपने एक सीढ़ी तो चढ़ ली बैचलर्स एंड मास्टर्स तो बीच में रुकना क्यों है नहीं हमको बीच में हार नहीं माननी है हमको सीढ़ी धीरे धीरे चढ़नी है तो अगर आपका एक्सपीरियंस हो गर, अगर नेट क्वालिफाई भी हो गया तो आप देखो आपको पीएचडी में कितना प्रेफरेंस मिलेगा और आपको जब पी

कमिंग वीक में इंटर्नशिप आने वाली है दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो कि कहीं ना कहीं आपको मोलिकुलर बायोलॉजी की फील्ड में रिलेट करती है तो आप अगर यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इंटर्नशिप आपको बायोटेक्निका में भी देखने के लिए मिलेगी अगर आप और कहीं करना चाहते हो आप देख सकते हैं बट यहाँ पे आपको एक रीजनेबल कॉस्ट में और एक पूरा पैकेज के साथ आपको फुल चीज मिलेगा इसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा आपको प्रैक्टिकल दिखाए जाएंगे आपको उसका पूरा नॉलेज दिया जाएगा ताकि आप उसको रिज्यूमिंग में ऐड कर लो क्योंकि यहां पे हमने खुद देखा है तो हम आपको एक एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो आप इंटर्नशिप्स भी ले सकते हो नहीं तो आप डायरेक्ट एमएससी के बाद एंट्री लेवल जॉब्स मीन्स आफ्टर योर एम एस एंड बी आप जा सकते हो किसी भी रिसर्च कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो जैसे आपका मन है कि आपको एन में जाना है या किसी भी नॉर्मल रिसर्च लैब में जाना है वहाँ पे भी कर सकते हो ये मत सोचना कि कोई रिसर्च लैब अच्छा है या गंदा है कभी कोई रिसर्च लैब गंदा नहीं होता कभी कोई चीज अच्छी नहीं होती आपका इंटरेस्ट मेन डिसाइड करता है कि कोई चीज क्या है मान लो मेरे लिए कोई रिसर्च लैब थोड़ा कम होगा अच्छा पर वो अच्छा और गंदा नहीं है वो क्या है मेरा इंटरेस्ट लैब है तो कोई भी ऐसा नहीं होता जहां पे भी मिले मौका करना चाहिए क्यों क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि एटलीस्ट आप किसी और से अलग हट रहे हो भीड़ में क्यों क्योंकि आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस आ रहा है तो हमेशा कोई भी ऐसा जॉब मिले तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए सैलरी और ये सब नहीं सोचना है अल्टीमेटली आप कुछ सीख रहे हो जब सीखने की बात आती है तो हमें एक कदम पीछे हट के सोचना पड़ता है हमें अपने आप को या हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं हम अपना चीज कुछ भी नहीं बोल सकते हमको सैलरी चाहिए क्यों क्योंकि हमारा मेन एम है हम तो सीखने आए तो जो सीखने के लिए मिले वो सीख लेना चाहिए और या तो आप टीचिंग असिस्टेंट जॉब के लिए भी जा सकते हैं ना द फोर्थ इस इंटर्नशिप जो हमने डिस्कस कर लिया इंटर्नशिप होना चाहिए मोलिकला बायोलॉजी में होना चाहिए किसी भी फील्ड में मिले एटलीस्ट कर लो क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या क्या करने के लिए आपको अल्टीमेटली रिसर्च एक्सपीरियंस आप रिज्यूमे में एड करोगे अपना सीवी में ऐड करोगे और आप ही को इसका एडवांटेज मिलेगा नाउ फिफ्थ इज हाउ टू गेट इंटर्नशिप एंड जॉब आप बोलोगे इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स को कैसे करना है या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकते हैं जॉब्स में पढ़ाना भी आता है टीचिंग भी आती है एज वेल एज जे का पोस्ट भी आता है तो यू कैन गो इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर और लेक्चरर आप वहाँ पे भी जा सकते हैं आप किसी रिसर्च लैब में काम भी कर सकते हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं हाईली सेंट्रली फंडेड लैब में काम कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए आप किसी भी बायो साइंसिस कंपनीज में आ सकते हैं और यहाँ पे मैंने आपको वैसे भी बताया है यहाँ पे यू कैन कम टू बायोटेक्निका एनी टाइम यू कैन जस्ट मेल एज यू कैन कॉल एज ऑन आर टोल फ्री नंबर एंड आस्क रिगार्डिंग द इंटर्नशिप्स दैट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीक तो जो भी आने वाली इंटर्नशिप है आप कॉल करके पता कर सकते हैं और उसमें एनरोल कर सकते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में जाना चाहते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च और अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जाना है कुछ लैब और यू कैन से कोई ड्रग डेवलपमेंट का काम करना है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में

कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट वर्कशॉप अटेंडेंट एक एक अलग अलग चीज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ एक सीवी में अपना बना लेना है और वहां पे क्या क्या मेंशन करो अगर कोई आपके पास लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है वो मेंशन कर सकते हो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है जो अभी हमने डिस्कस किया वो मैं मैंशन कर सकते हो और अगर स्किल्स हैं तो वो मैंशन कर सकते अब स्किल्स क्या होता है जैसे अगर एमएससी एस डिजर्टेशन में कोई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में काम कर लिया तो मेंशन कर दो ना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस इज वन ऑफ द स्किल और कभी भी स्किल्स को मेंशन करते टाइम ऐसे नहीं लिख देना बुलेट में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं माइक्रोस्कोपी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप ऐसे नहीं करना या कुछ भी डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक ऐसे नहीं लिखना हमेशा क्या करना है रियल नंबर देना है क्या लिखना है डीएनए माइक्रो एरे सेकेंड नंबर में फ्लो साइटोमेट्री थर्ड नंबर में आर टी पी सी आर मतलब वहां पे वन टू थ्री डालना है क्योंकि जब भी कोई आपका इंटरव्यू और आपका रिज्यूमे देखे तो वो ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाए क्यों क्योंकि उसको देखिए अरे इसने तो बहुत सारी चीजें कराए तो हमेशा स्किल्स को क्या करना है क्वांटिफाई करना है हमेशा वहां पे वन टू थ्री रियल नंबर देने हैं अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक में जो कि है जॉब ड्यूटीज एंड रोल अगर आपका मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट के फील्ड में काम कर रहे तो आपकी क्या क्या जॉब ड्यूटीज होंगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लैब में क्या क्या रिसर्च करना पड़ेगा क्या क्या आपका रोल होगा हम सारे रोल्स को पे डिस्कस करते हैं अगर किसी को पता नहीं है मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट के क्या रोल होते हैं अभी हम जैसे डिस्कस करेंगे तो आपको अपना इंटरेस्ट खुद ही पता चल जाएगा हाँ आपको सच में इस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं तो अभी हम देखते हैं क्या क्या जॉब रोल्स एंड ड्यूटीज होना चाहिए एक मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट का तो सबसे पहले आते हैं रिसर्च स्पेसिफिक टू सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन तो एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है वो एक किसी भी फील्ड में चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल वो किसी भी फील्ड में एक रिसर्च कर रहा होता है किसमें रिसर्च कर रहा होता है एक पर्टिकुलर सेल के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है एक पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर उसका फंक्शन और उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा होता है तो ये एक फंक्शन है मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट का सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग जीन एक्सप्रेशन मैकेनिज्म सेल सिग्नलिंग एट मॉलिकुलर जीन लेवल सेल डिफ्रेंशिएशन स्टडीज एज वेल एज सेलर बाइनफॉर्मेटिक्स क्या क्या पढ़ते हैं जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट क्यों जीन एक्सप्रेशन मैकेनिज्म क्योंकि किसी जीन के साथ डील कर रहा है मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करें मींस वी आर टॉकिंग अबाउट जीन तो किसी भी जीन एक्सप्रेशन को चेक करना उसके मैकेनिज्म को रीड करना सिग्नलिंग पढ़ना कि अच्छा ये जीन एक्सप्रेशन हुआ इसके बिहाइंड क्या सिग्नलिंग था उसको पढ़ना क्रॉसटॉक पढ़ना किसी सेल्स के बीच में इस सेल का इस सेल से रिलेशन क्या है उसके क्रॉस टॉक को पढ़ना सेल डिफ्रेंशिएशन स्टडीज के बारे में पढ़ना एंड ऑल्सो सेल ऑफ अगर मान लो कोई ड्रग देखा है कि यहाँ पे ये यह एक्सप्रेस हो रहा है अगर उसके लिए कुछ ड्रग डिजाइन करना है यहाँ ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कंपिटिशनल बायोलॉजी का रोल है तो यहाँ पे बायफॉर्मेटिक्स को भी पढ़ना हो सकता है तो ये काम होता है मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट का थर्ड इज कंडक्टिंग मॉलिकुलर और सेलर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट विद साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिसिस हो सकता है आपको कोई मॉलिकुलर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना पड़े हो सकता है कोई सेलर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना पड़े साइंटिस्ट के साथ मिलकर और उसके डेटा को एनालाइज भी करना पड़ सकता है क्या ये डेटा जो हमने फाइंडिंग की है वो सही है या गलत है जो हमने पहले किया था वो ज्यादा एप्ट थी कि अभी तो आपको डेटा एनालिसिस के रूप में भी काम करना कर, पड़ सकता है मेंटेनिंग एक्यूरेट लैब ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई टेक्निकल असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हो आपको कोई लैब रिकॉर्ड मेंटेन करना हो या कोई लैब प्रोटोकॉल मेंटेन करना हो क्योंकि हम एक्चुअल में क्या करते हैं हम टेस्ट करते हैं पीएचडी में भी क्या करते हैं हम अपनी चीजों को टेस्ट करते हैं पांच साल तक क्या होता है हम टेस्ट ही करते रहते हैं अच्छा ये इसका प्रोटोकॉल है ये इसका प्रोटोकॉल अच्छा ये इससे आया ये उससे आया कुछ भी पहले लिखा नहीं हो सकता हम एक हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं हम उस चीज को अपनाते हैं उस चीज को हम फॉलो करते हैं अल्टीमेटली हमें एक रिजल्ट मिलता है हम उस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कैसे पढ़ पहुंचते हैं कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल होता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपको एक प्रोटोकॉल भी डिजाइन करना पड़ सकता है अच्छा ये फाइनलाइज हो गया आपको उसको डिजाइन करना पड़ सकता है क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए डीएनए आरएनए के प्रोटोकॉल डिजाइन हो सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग का क्या मेथड होना चाहिए करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं जीन क्लोनिंग का एक शॉर्टकट क्या होना चाहिए शॉर्टकट इन द सेंस मीन्स पक्का श्योर शॉर्ट मैथड क्या होना चाहिए ऐसे बहुत सारे मैथड्स को आप प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर सकते हैं आप किसी भी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं मेन्यूस्क्रिप्ट बना सकते हैं और प्रेजेंटेशन के रूप में भी आप कुछ बना सकते हैं तो आपका ये भी काम हो सकता है नेक्स्ट इज पोस्टिंग रिसर्च आर्टिकल्स अगर आपने कोई अच्छा फाइंडिंग्स किया तो अब आप उसके रिसर्च को कैसे पब्लिश करेंगे उसके एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग को कैसे दिखाएंगे आप किसी भी यू कैन से इक्विपमेंट की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं जैसे जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी एच पी एल सी इक्विपमेंट कुछ खराबी हो गई आप उसको भी डील कर सकते हैं आप उसके बारे में कुछ पढ़ भी सकते हैं इलेक्ट्रोफोरासिस यूनिट से आप लेकर के कुछ डील कर सकते हैं पी एच मीटर्स का कैलिब्रेशन थर्मोसाइक्ल फैक्स बहुत सी चीजों के साथ आप डील कर सकते हैं आपका मन है कि आपको सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम करना है तो आप इक्विपमेंट के साथ भी डील कर सकते हैं नेक्स्ट इज डेवलपिंग न्यू एसेस न्यू न्यू एसेज को परफॉर्म करना अच्छा ठीक है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन कैसे होता है एंटीबॉडी जनरेशन कैसे होता है ओके वेस्टर्न ब्लॉटिंग का ये प्रोटोकॉल बहुत सटीक है आप किसी भी न्यू ऐसे को डिजाइन कर सकते हैं कोई भी आप नया ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं सेल के करेक्टरिस्टिक को पढ़ने के लिए या तो किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को हमेशा डेवलप कर सकते हैं तो मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट का क्या काम है होता है एक न्यू प्रोटोकॉल एक न्यू प्रोडक्ट एक न्यू फाइंडिंग्स को डेवलप करना या बोल सकते हैं एक टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आना द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज गाइडलाइन एंड स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉर वायरस मेंटेनेंस और आपको पता है वायरस के साथ डील करना बहुत ज्यादा टफ है तो आप वो भी गाइडलाइन और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को डील कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि एक वायरस जैसे इबोला वायरस एच वायरस लेट से तो उसको बी लैब में कैसे हैंडल करना है किसी भी इन्फेक्शन बायोलॉजी का कोई भी पैथोजन है उसको लैब में कैसे हैंडल करना है और ये भी एक काम है मोलिकुलर बायोलॉजिस का तो हमने डिस्कस किया क्या क्या रोल्स एंड ड्यूटीज होना चाहिए मोलिकुलर बायोलॉजीज की अब ये हमने तो ड्यूटीज़ की बात की लेकिन इनका क्या स्कोप है इनको कैसे कैसे काम करना पड़ेगा और इनको किस किस फील्ड में और यू कैन से कि क्या क्या पोस्ट में जाना पड़ सकता है अब हम हायर स्टडीज की बात करते हैं अब हमने बी की बात कर लिया एमएससी बात कर लिया हमने रिसर्च एक्सपीरियंस देख लिया हमने देख लिया आप कहां कहाँ जा सकते हैं बायोसाइंसिस कंपनी इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी आप कहीं कहीं जा सकते हैं हमने जॉब ड्यूटीज देख लिया अब हम ऊपर चढ़ रहे हमने एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ ली क्या पढ़ रहे हैं अब हम हम ये देख रहे हैं कि इनका अल्टीमेटली क्योंकि हमको क्या देखना है हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट तो स्कोप देख रहे हैं स्कोप स्पेसिफिकली कहाँ देख रहे हैं रिसर्च स्पेशलिस्ट या सेल बायोलॉजिस्ट के रूप में तो आप इन्हीं दो पोस्ट के बीच में जा सकते हैं या तो वो रिसर्च स्पेशलिस्ट हो सकता है या तो वो सेल बायोलॉजिस्ट हो सकता है अब यहाँ के अगर अगर रिसर्च स्पेशलिस्ट है तो यहाँ पे आपका क्या काम हो सकता है यहाँ पे सिंपल काम है रिसर्च स्पेशलिस्ट मतलब जो अपने रिसर्च में स्पेशलाइज स्पेशलाइज्ड है सिंपली उसी को हम बोलेंगे रिसर्च स्पेशलिस्ट वो क्या काम करेगा मतलब वो रिसर्च ही करेगा रिसर्च करेगा तो क्या करेगा यहाँ पे इसका काम जो होता है कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड स्टडी किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना कोई भी स्टडीज को करना तो वही काम है रिसर्च स्पेशलिस्ट का और यहाँ पे क्या होगा पता चला कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको कुछ आउटकम मिला उस आउटकम को एनालाइज करना है डेटा को एनालाइज करना है तो यहाँ पे क्या हो सकता है एनालाइजिंग फाइंडिंग तो और भी इनका क्या काम होता है एनालाइज करना फाइंडिंग्स को और उसके बारे में रिपोर्ट डेवलप करना रिपोर्ट की तैयारी करना रिपोर्ट या तो क्लिनिकल हो सकता है या तो नॉन क्लिनिकल एरिया क्लिनिकल मतलब आप किसी हॉस्पिटल में आप किसी पैथोलॉजी में वर्क कर रहे हैं और फिर आप ये डिजाइन कर, कर रहे हैं रिपोर्ट नॉन क्लिनिकल मतलब आप किसी नॉर्मल लैब में कोई रिसर्च कर रहे हैं और तब आप ये रिपोर्ट डिजाइन कर रहे हैं अगर आप सेलर बायोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं तो ये इससे एक कदम आगे है सेल्लर बायोलॉजिस्ट मीन्स एडवांस और एडवांस की हम बात कर रहे हैं वो क्या करेंगे ये बहुत स्पेशलाइज होते हैं किस फील्ड में मोलिकलर जेनेटिक्स रिसर्च इट कैन बी रिलेटेड टू प्लांट और और एनिमल किसी भी फील्ड की बात कर से, वो कहां पे काम कर रहे होते हैं वो एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉडल ऑर्गेनिज्म के साथ डील कर रहे होते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म प्लांट के रूप में भी हो सकता है एक एनिमल एक इंसेक्ट के रूप में किसी भी रूप में हो सकता है क्या फाइंड करते हैं मान लो उनको कोई ड्रग मिला अब उस ड्रग का क्या इफेक्टिव होगा या बोल सकते क्या इम्पैक्ट होगा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में और एप्लीकेशन में फंडामेंटल जो भी हमारी प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन या हम एक रेगुलेशन के रूप में पढ़ सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या टेस्ट करते हैं एग्जामिनिंग इफेक्टिविटी ऑफ ड्रग हार्मोन एंड फूड किसी भी चीज़ का एक चीज़ को टेस्ट करना कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका क्या इंपॉर्टेंस uh, होगा और क्या इसका इम्पैक्ट होगा क्यों हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस मींस फंडामेंटल प्रोसेस मींस जो जीन लेवल की बात हो रही है हम यहाँ पे मालिकुलर बायोलॉजिस्ट की ही बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली इनका काम क्या होता है रिसर्च को पब्लिश करना तो अल्टीमेटली क्या करेंगे ये अपने रिसर्च को पब्लिश करेंगे तो ये है मेन स्कोप ऑफ अ मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट नो क्या क्या स्किल होना चाहिए जो आपको सच में एक मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट की राह में ले जाएगा आपको क्या स्किल डेवलप करना पड़ेगा यहाँ तो अभी हमने देख लिया क्या पढ़ाई करना है क्या एक्सपीरियंस लेना है कहाँ पे काम करना है क्या स्कोप है लेकिन डेवलप कैसे करना है सारी स्किल्स को लाना कैसे तो सबसे पहले आपको खुद में ही ये काम करना पड़ेगा या आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपको या आपको डेवलप करना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आपको अपनी सोचने की क्षमता को इंक्रीज करना पड़ेगा आप जो भी सोचते हैं आपको अच्छा ये हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ कहां हुआ कब हुआ ये आपको सारे क्वेश्चन आगे what, when, why, how हम लगाते न, सारे के जवाब आपको आप इसको आगे बढ़ा रहे हो अब यहाँ पे आपको बहुत रिसेप्टिव रहना पड़ेगा सपोज अगर मैं किसी भी फील्ड में काम कर रही हूँ अगर मुझे कोई भी बंदा आके समझा रहा है तो मुझे उसकी बातों को सुनना पड़ेगा मैं ऐसी होनी चाहिए मुझे रिसेप्टिव रहना पड़ेगा रिसेप्टिव मतलब जो सभी चीजों को रिसेप्ट करे ज्ञान ले सभी से लेकिन इतना उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए सभी की चीज़ों को सुने लेकिन उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए एक अपना नजरिया होना चाहिए एक उसका खुद का थिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए कि वो खुद से अपने काम को एग्जीक्यूट कर दे डिज़ाइन कर दे प्लान कर दे दिस इज वॉट कॉल्ड इज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी तो आपके अपनी आ, सोचने की पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा और यू कैन से डेवलप द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनालिटिकल स्किल एनालिटिकल स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर हम किसको यूज करते हैं क्यों यूज़ करते हैं इनियन इन स्किल्स का किसी भी डेटा को एनालाइज करना है इंटरप्रेट पता चला आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया बट आप एनालाइज नहीं कर पा रहे तो आपको कैसे एनालाइज करना है कैसे इंटरप्रेट करना है डेटा वो आपको आना चाहिए आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम में या रिजल्ट में पहुंचने चाहिए या आप किसी भी रिसर्च फाइंडिंग को पता कर पा रहे होंगे कि हाँ पहले कंक्लूजन इसका ये था लेकिन अब इसका कंक्लूजन ये है आपको पता होना चाहिए उसका रिसर्च फाइंडिंग क्या आप इवेलुएट कर पाएं इसलिए आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर पता चला कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करना वहाँ पे नहीं होना है क्यों? हमको कर हम हम कैसे आगे बढ़ना मतलब है जितना भी इशू आया आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा उसका सामना करना पड़ेगा सामना करने के बाद आपको उसको ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें आपको कामयाबी मिले तो एड्रेस इश्यूज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा फोर्थ इज रीजनिंग स्किल्स रीज़निंग स्किल्स अगेन मतलब आपको अपनी जितना भी आपका थिंकिंग एबिलिटी आपको एक्सपेरिमेंट में लगाना पड़ेगा उसके हिसाब से आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी तो आपकी रीजनिंग स्किल्स भी अच्छे होना चाहिए फिफ्थ इज कम्युनिकेशन स्किल्स अब आप मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट मतलब आपको नेटवर्क के साथ डील करना पड़ेगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन मीन्स अपनी बात एक दूसरे तक कैसे पहुंचाना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि अपना काम अपने आइडियाज आप उनको समझा पाओ ताकि वो ले पाएं और आपके जैसे वो काम कर पाएँ आपके साथ मिलकर वो आपके ग्रुप में काम कर पाए तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए आप अपनी चीज़ों को एक थोड़े समय में एक सिंपल वर्ड्स में कैसे समझा पाते हैं यही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स सिक्स ऑफ़ साइंटिफिक टेक्निक पता चला तो कर तो तो रिकॉल करते रहिए आप उसमें प्रैक्टिस करते रहिए आप उसको पढ़ते रहिए उसके चीज के बारे में अपडेट करते रहिए रिसर्च आर्टिकल्स पढ़िए आपको अपना साइंटिफिक टेक्निक्स को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इंटरपर्सनल मैनेजमेंट मतलब किसी भी एक इन्वायरमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं अगर आप किसी भी लैब में काम कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट को आपको अच्छा कैसे बनाना है प्रोडक्टिव कैसे बनाना है हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है सारे लोग खुश रहें ये कैसे करना है दिस इज वट कॉल्ड इज इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल मतलब लोगों का जो पर्सनल है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करना इंटर मतलब बिटवीन पीपल सब कुछ मेंटेन करना एक प्रोडक्टिविटी लाना एक हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन करना दिस इज वॉट कॉल्ड इज इंटरपर्सनल मैनेजमेंट एट इज सुपरवाइजर स्किल अब आप यहां पे पीएचडी गाइड भी बन सकते हैं क्यों क्योंकि आप वर्किंग एज अ मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट राइट वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइंटिस्ट तो यहां पे आपके पास सुपरवाइजर स्किल्स भी होने चाहिए सुपरवाइजर स्किल्स इन द सेंस मींस आप किसी भी स्टूडेंट को गाइड करेंगे तो आप एक अच्छे सुपरवाइजर हो अपने आइडियाज पुट पुटफॉर्थ कर पाएं उसको समझा पाएं उसके साथ उसकी रिजल्ट में मदद कर पाएं उसके एक्सपेरिमेंट अगर वहां कोई लैक कर रहा है तो आपको वो समझाएं तो एक पी गाइड ऐसा होना चाहिए उसके पास सीरियस में और एक एक्चुअल सुपरवाइजर स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने एक स्टूडेंट को एक सही राह में दिखाए और उसको अल्टीमेटली उसके काम तक या फाइनल एक प्रोजेक्ट को एक या पीएचडी है या एक प्रोजेक्ट को एक अंत समय तक खत्म कर पाना चाहिए ये होता है उसका सुपरवाइजर स्किल्स नाइन्थ इज प्रेजेंटेशन किसी भी कहीं पे भी जाएं कॉन्फ्रेंस में जाएं तो आपको एक चीज़ को प्रेजेंट करना आना चाहिए प्रेजेंटेशन नॉर्मल पीपीटी नहीं वो तो हर कोई बना लेता है प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको डेवलप करना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस के लिए सेमिनार के लिए जो प्रेजेंटेशन स्किल होती है वर्कशॉप करने के लिए जो प्रेजेंटेशन स्किल होती है उसके लिए आपको कैसे प्रेजेंटेशन डेवलप करना चाहिए तो आपके पास वो भी आना चाहिए अपनी चीज़ों को बताना आना चाहिए दिस इज वॉट कॉल इज प्रेजेंटेशन स्किल ऑर्गेनाइजिंग स्किल ऑर्गेनाइज मतलब सारे काम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ऐसा नहीं एक काम को लेकर बैठे है. सारे काम को देखना है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे लैब में सबको कॉर्डिनेट करना है दिस इज वॉट कॉल्ड इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल मैनेजिंग फंडेड प्रोजेक्ट आपने एक प्रोजेक्ट लिख दिया फंड जब आपको फंड हो, हो गया अब जब डीबीटी से फंड हो गया आपको, लेकिन उसके लिए पैसा तो आ गया लेकिन कम्प्लीट नहीं किया खत्म भी नहीं किया आपने कोई फाइंडिंग्स ही नहीं लाई तो अगले टाइम में आपको मिलने के लिए शायद दिक्कत आ सकती है तो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना आना चाहिए दैट इज वॉट कॉल्ड मैनेजिंग फंडेड प्रोजेक्ट एंड द लास्ट इज रिव्यूइंग पब्लिकेशन एकर साइंटिफिक कम्यूनिटी तो क्या होता है जैसे ही हम साइंटिस्ट बन जाते हैं हम अपना भी पब्लिकेशन पब्लिश प्र, प्र, करते हैं यू कैन से पेपर पब्लिश करते हैं लेकिन इस टाइम में हम एक एडिटोरियल बोर्ड के भी मेम्बर होते हैं हम बहुत सारे आ, दूसरों के भी पब्लिकेशन को रिव्यू करते हैं कि उसके पेपर को रिव्यू करना होता है तो आपके पास ये भी स्किल होना चाहिए कि अगर किसी सामने वाले का पेपर आता है तो आपको रिव्यू करना है उसको क्या सही है उसमें क्या गलत है आपको वो पहचानना आना चाहिए तो उसको एक्चुअल रिव्यू करने के लिए यू हैव टू डेवलप दिस स्किल सो दिस इज ऑल अबाउट द स्किल दैट यू शुड डेवलप एज अ मोलिकुला बायोलॉजिस्ट नो वट इज अ करियर पाथ किस किस रूप में आपको देखा जाएगा कैसे कैसे आपको जाना है तो सबसे पहले आप किसी भी फील्ड में अभी हमने देखा है स्कोप क्या हो सकता है रिसर्च स्पेशलिस्ट या सेलर बायोलॉजिस्ट अब ये या तो जूनियर मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट में भी आ सकते हैं सीनियर बायोलॉजिस्ट तो आपको अपना करियर कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले आप जूनियर हो जैसे हम पढ़ते हैं ना जूनियर रिसर्च फेलो पहले हम जूनियर जे होते हैं फिर हम एस होते हैं मतलब हम अपग्रेड होते हैं अपग्रेड किस बेसिस में होता है हमारी स्किल्स बढ़ चुकी हैं पहले हमें कुछ नहीं आता था पहले हमें कुछ कुछ बस आता था कुछ एक्सपीरियंस था एम

यू कैन से जो हमारा प्रोफाइल है वो बढ़ जाता है क्यों क्योंकि अब यहाँ पे हमारी बहुत सारी जनरल लैब ड्यूटीज़ हैं हमको वो भी निभाना पड़ता है हमको लैब रिक्वायरमेंट को देखना पड़ता है अच्छा हाँ ये हमारे पास ये केमिकल है हमारे पास ये सारी फंडिंग है इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं तो आपको चारों तरफ दिमाग लगाना पड़ता है और आपको एक वेल well तरीके से प्रोडक्टिव तरीके से काम करना होता है यहाँ पे आपको फॉलो अप स्टडी भी करनी पड़ सकती है फॉलो अप स्टडी मतलब एक हॉट में स्टडी करना इसको छः महीने में एक साल में दिस इज वॉट कॉल्ड इज फॉलो अप स्टडी एक एक महीने में इसका क्या रिजल्ट है इसको कहा जाता है फॉलोअप स्टडी हो सकता है आपको कोई hypothesis develop करना पड़े? ये तो पूरा scientist का काम हो गया जहां पे scientist क्या करते है? hypothesis को develop करते, करते हैं करते, करते, तो कर को यही होता है पीएचडी में करते हैं लेकिन हम अपनी किसी गाइड के साथ करते हैं लेकिन यहां पे आपको सीनियर मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट के रूप में काम करना पड़ेगा मतलब आप एक इंडिपेंडेंट रोल निभाओगे हो सकता है आपको कोई प्रोडक्ट बनाना पड़े आपको बना सकते हो कोई ड्रग डिस्कवर कर सकते हो या तो आप किसी टेक्नोलॉजी के रूप में एक बायोटेक इंडस्ट्री के सामने आ सकते हो तो ये सारा करियर पाथ है जो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के बारे में होना चाहिए तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्या-क्या रोल होने चाहिए क्या-क्या करियर एक्सपेक्ट है क्या-क्या उनका आ, स्किल्स होना चाहिए क्या करियर पाथ है क्या स्कोप होने चाहिए कौन होते हैं बायोलॉजिस्ट कैसे मास्टर बनना है कैसे हमको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है अनअल्टीमेटली जॉब ड्यूटीज एंड रोल तो हमने इनके बारे में सारा कुछ देख लिया फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो आप अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी आपके मन में जो भी है आप हमेशा शेयर कर सकते हैं कॉमेंट्स बॉक्स में तो मुझे लगता है जो भी मैंने डिलीवर किया वो आप सभी को समझ में आया और आपके लिए फ्रूटफुल रहा है अगर आप इसको बेनिफिशियल मानते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना तो मिलेंगे बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर कीप लर्निंग